सब्सक्राइब करें टेक्निकल टीचर को समस्त तकनीकी जानकारी के लिए और बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करें जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल टीचर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे किस प्रकार से हमारे किसी भी फोटो का बैकग्राउंड एक क्लिक में हम किस प्रकार से रिमूव कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। फोटो से बैकग्राउंड हटाने के कई प्रकार के ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, कई सारी इसकी वेबसाइट आपको मिलेंगी, लेकिन ज़्यादातर ये आपकी पेड होती हैं जिन पे आपको पेमेंट करना होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट किस प्रकार से वन क्लिक में हम फोटो का बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल में सर्च करना है remove.bg। सर्च करने के बाद में आपको उस पर क्लिक कर देना। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप सीधा इस इंटरफेस पर आ सकते। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसमें आपको ब्लू कलर में दिखाई देगा अपलोड इमेज, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपके जो मोबाइल के जो सारे फोटोज हैं वो इसमें दिखाई देंगे। उनमें से आप ब्राउज ऑप्शन से अन्य आपके जो फोटोज हैं वो आप चयन कर सकते हैं, या फिर इनमें से अगर आपका कोई फोटो है जिसे आप चुनना चाहते हैं, जिसका आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, तो वह आप इनमें से चयन कर सकते हैं। जिस भी फोटो को आपको लेना है उस पर आपको क्लिक करना है और डन बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डन बटन पे क्लिक करेंगे, अभी ये कुछ समय लेगा प्रोसेसिंग में। प्रोसेसिंग के पश्चात में आपकी जो फोटो है उससे बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और वो फोटो आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। इसमें आप फोटो पर क्लिक करें या फिर जो डाउनलोड का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें एक बात का आप ध्यान रखें, डाउनलोड HD का जो नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक नहीं करें, क्योंकि नीचे वाला जो ऑप्शन है ये आपका पेड ऑप्शन होगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपसे पेमेंट के लिए मांगा जाएगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके और आप अपनी फोटो को डाउनलोड कर लें। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, अब आपसे डाउनलोड के लिए कहा जाएगा, आप इसे डाउनलोड करें। आपके डाउनलोड सेक्शन में आपकी फोटो डाउनलोड हो जाएगी, लेकिन इसमें आपकी जो फोटो का जो रेजोल्यूशन है वो बहुत लो रहेगा। इस वेबसाइट से आप पर डे में कितने भी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, लेकिन वो क्वालिटी आपकी SD क्वालिटी हो। अगर आपको HD क्वालिटी में अपनी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो उसके लिए आपको गूगल में टाइप करना है स्टिकर मोल। इस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसकी सहायता लेकर आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। जैसे आप इस वेबसाइट के लिंक पर ओपन करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसमें आपसे साइन इन टू गेट स्टार्टेड का जो बटन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, लेकिन इसमें आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा और आप पर डे 3 से 4 फोटो का बैकग्राउंड आप अपने अकाउंट से फ्री ऑफ कॉस्ट हटा सकते हैं। उसके बाद में आपको ये चार्जेबल होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। आपको रिमूव BG में आप अनलिमिटेड अपने फोटो से बैकग्राउंड हटा सकते हैं। इसमें 3 से 4 ही आपको HD क्वालिटी में फ़ोटो से बैकग्राउंड रिमूव करने का ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें आप पर डे 3 से 4 फोटो का आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप चाहते हैं तो उसका वीडियो आपको अलग से मिले, जिसमें आप फुल HD फोटो से बैकग्राउंड फ्री ऑफ कॉस्ट हटा सकते हैं, लेकिन वो आपको मैनुअल करना। इसमें आपको स्टिकर म्यूल वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करने के बाद में साइन इन टू गेट स्टार्टेड जो बटन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, अब आपसे ये पूछा जाएगा कि आप अपना अकाउंट बनाएं, ईमेल ID और पासवर्ड सबमिट करने हैं आपने जो अकाउंट बनाना है उसका। अगर अकाउंट नहीं है तो आप नीचे क्रिएट अकाउंट पर आप क्लिक करें। अगर आप एक अकाउंट नहीं बनाना चाहते हैं तो लॉगिन विद गूगल पे क्लिक करके आप अपने जो मोबाइल में ईमेल ID ओपन है उनमें से किसी एक मेल ID से भी आप ओपन कर सकते हैं। जैसे आप साइन इन विद गूगल पे क्लिक करेंगे, अब आपको आपके मोबाइल में जो मेल ID ओपन है उनमें से किसी एक मेल ID को सेलेक्ट करना है और उस मेल ID से आप अपने को साइन इन कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने मेल ID को चयन करेंगे, उसके बाद में आपको अपलोड फोटो का ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें अपलोड ए फोटो पे आप क्लिक करें। अब आपसे वही फोटो चुनने के लिए कहा जाएगा, आप अपनी गैलरी में से किसी एक फोटो को चुनें। आप ब्राउज बटन पे क्लिक करके आप अपने सहूलियत से जिस भी फोटो का आप चयन करना चाहते हैं उसको आप अपनी गैलरी में से चयन कर सकते हैं। जैसे आप फोटो पे क्लिक करेंगे, आपकी फोटो अपलोडिंग फाइल होगी। अपलोडिंग फाइल में आपका कुछ समय लगेगा, जितनी आपकी फ़ोटो की साइज होगी उसके अकॉर्डिंग आपका इसमें समय लगेगा बैकग्राउंड रिमूव करने में। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, 12 MB से ज़्यादा किसी भी फ़ोटो को ये दोनों जो आपके वेबसाइट है ये नहीं लेगी। आपको 12 MB तक का फ़ोटो ही अपलोड करना है। फ़ोटो की अपलोडिंग के बाद में प्रोसेसिंग में थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। वेट करने के बाद में आपके फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो आपका रिमूव हो जाए। इसमें आपकी फ़ोटो की क्वालिटी HD क्वालिटी में हो, लेकिन इसमें आप पर डे के 3 से 4 फोटो का बैकग्राउंड ही रिमूव कर सकते हैं। अब इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में डाउनलोड बटन का आपको ऑप्शन दिखाई देगा राइट साइड। इस बटन से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं,
लेकिन अगर आप अपनी फ़ोटो के बैकग्राउंड में कोई कलर आप रखना चाहते हैं तो आपको जो भी कलर सेलेक्ट करना है वो कलर आप यहां से चूज कर सकते हैं। जितने आपको कलर दिखाई दे रहे हैं इनमें से आप किसी भी कलर का चयन कर सकते हैं। कलर के अलावा अगर आपको किसी इमेज का आपको चयन करना है अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड में, तो आपको लेफ्ट में जो कलर और इमेज के दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इनमें अभी ये कलर पे डिफ़ॉल्ट सेट है। आप इमेज पर अगर क्लिक करेंगे तो आपके इमेज इसमें निकल के आएंगे। इनमें से किसी भी इमेज को आप अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप इस वेबसाइट के माध्यम से अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड हटा सकते हैं वन क्लिक में, और आप अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड में किसी भी कलर या किसी भी इमेज को सेट कर सकते हैं। आप जिस भी फ़ोटो या जिस भी कलर को बैकग्राउंड में रखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में आपके फोटो में वो बैकग्राउंड सेट हो जाए। उसके बाद में दोस्तों आपको डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद में अब आपको पुनः डाउनलोड फुल इमेज का ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें आप क्लिक करें। अब आपको अपनी जो इमेज है उसको डाउनलोड कर लेनी है। अब आपकी जो इमेज है वो आपके डाउनलोड सेक्शन में डाउनलोड हो गई होगी। इसमें दोस्तों आप बिना बैकग्राउंड के, बिना किसी कलर का बैकग्राउंड या बिना किसी इमेज के बैकग्राउंड के भी आप अपनी फ़ोटो को सेव कर सकते। वो फ़ोटो आपकी PNG फॉर्मेट में सेव होगी, जिसे आप किसी भी फ़ोटो के बैकग्राउंड में, किसी भी कलर के बैकग्राउंड में आप उस फ़ोटो को लगा सकते हैं। दोस्तों इन दो तरीक़ों से आप अपनी फ़ोटो से वन क्लिक में बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।